जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं ये धार्मिक रूप से नहीं, ये राजनीतिक रूप से और राजनीति से प्रेरित होकर किए जा रहे हैं। ये सब आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यकर्ताओं के खून से बनी हुई सरकार को ये सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी अच्छे व्यक्ति हैं। मेरी एक छोटी बहन प्रतिमा सिंह, वो निकली और भाग के गई, वो सीधे जाके गुंबद पे चढ़ गई ऊपर एकदम। बाद में उस समय बाद में हुआ था कि शायद सुना था कि कुछ इंटेलिजेंस भी खोज रही थी कि एक लड़की जो ऊपर चढ़ी थी वो कौन थी, पर बताता कौन। दूसरे जो सबको निमंत्रण बांटने वाले लोग हैं, भगवान इन सबको शक्ति दे, बल दे और लूटें खाएं, स्वस्थ हो जाएं। ये जमीन घोटाले वाले लोग हैं, इनसे आप बहुत उम्मीद न कीजिए। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में कर देते हैं 5 मिनट में। तो रामलला के नाम पर दुकानें तो बहुत चली, चलती रहेंगी। धार्मिक भावनाएं सदा आहत होती रहेंगी, कोई दो राय नहीं है। पर हम तो जिस काम से पैदा हुए थे बंधु, वो काम हमने कर दिया। वो जो हो रहा होने दीजिए, पर इतना अच्छा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भगवान रामलला के चरणों में लौट कर दंड प्रणाम करता है। मैं प्रसन्न हूँ, हमारा मुखिया यूपी का आके रामलला के चरणों में लौट जाता है। इतने में ही हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। लूटने वालों को लूटने दीजिए, लेकिन काम करने वालों को ये साधुवाद है मोदी जी को और योगी जी को, कि जिनका अयोध्या जब आगमन होता है तो रामलला के चरणों में लौट जाते हैं। देखिए, सच्चाई ये है, इसको ब्रांड बनाया जा रहा है, पॉलिटिक्स हॉबी है। और कहना नहीं चाहिए, ये सब आने वाले चुनाव के मद्देनज़र ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। और जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं ये धार्मिक रूप से नहीं, ये राजनीतिक रूप से और राजनीति से प्रेरित होकर के किए जा रहे हैं। विजय तनभर घड़ी भर की चमक है, इसी संसार तक उसकी दमक है, इसे क्या खोजना गिरकर पतन में। इसको पतन में गिरकर क्या खोजना है। कार्यकर्ताओं का खून लोग भूल गए, अफसोस कि हम क्रांतिकारियों को भूल गए। ये देश की आज़ादी से बड़ा आंदोलन था, इसमें 10 लाख लोगों ने प्राण गंवाए। 500 वर्ष ये आंदोलन चला और कार्यकर्ताओं के खून से लोगों ने राजनीति की। लोग विधायक बने, सांसद बने, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सब बने, लेकिन कोई कार्यकर्ताओं का घर नहीं गया। आप बताइए कौन गया, नाम बता दीजिए। कोई गया वासुदेव के यहाँ, कोई गया राजेंद्र धरकार के यहाँ, हैं? मुझसे कुछ लोगों ने भी सवाल किया था। तीस जनवरी को हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितने भी बचे खुचे कार्यसेवक हैं उनको साथ में नंगे पांव पैदल भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। जी, किसी की कुछ भी समझ में नहीं आया, जैसे लगा ना कि वो 1997 में मुलायम सिंह ने कहा था कि परिंदे पर नहीं मार सकते, तो वो लग रहा था जैसे परिंदे ही उड़ते हुए चले आए हो कहीं से, और फिर वो सब ढांचे पे चढ़ गए, कुछ नीचे कुछ ऊपर। उस समय मेरा बच्चा 20-25 दिन का था, नहीं रहा गया मुझसे। मेरी एक छोटी बहन प्रतिमा सिंह, वो निकली और भाग के गई, वो सीधे जाके गुंबद पे चढ़ गई ऊपर एकदम। बाद में हुआ था कि शायद सुना था कि कुछ इंटेलिजेंस भी खोज रही थी कि एक लड़की जो ऊपर चढ़ी थी वो कौन थी, पर बताता कौन। मतलब
महिला के नाम पे, लड़की के नाम पे इकलौती वो थी जो ऊपर चढ़ गई थी, साढ़े दस बजे के आसपास, साढ़े दस बजे के आसपास, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सब लोग अंदर गए वहाँ पर। और किसी के पास सब्बल था, किसी के पास हथौड़ा था, किसी के पास रस्सा था, किसी के पास त्रिशूल था, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों को एक हफ्ते पहले ही उपलब्ध करा दी गई थी जी। 1000 सब्बल, 1000 हथौड़े, 1000 त्रिशूल, तलवारें, रस्से, कांटे, और वो कांटे उठा करके फेंकना, उसको फेंकने के बाद जो है गुंबद पे जा करके फंसना, पाइप लगी हुई थी वहाँ, रॉड टाइप की थी, उसमें फंसा करके अपना सब लोग चढ़े। तो ये सब सारी व्यवस्था पहले ही थी, अब केवल यही था कि बस हर हर महादेव का नारा लगा करके चढ़ाई कर देनी है। दुर्गा पहलवान थे तो दुर्गा पहलवान की आवाज़ बड़ी बुलंद आवाज़ थी, अगर वो सरजू जी के इस पार से बोलते थे तो दूसरी छोर तक साफ आवाज़ सुनाई देती थी, काफ़ी बुलंद आवाज़ थी उनकी। तो ये तय हुआ कि दुर्गा महाराज जो है, दुर्गा पहलवान के जो है यही नारा लगाएंगे, हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। सब लोग आक्रमण, जैसे आक्रमण होता था ठीक वैसे ही सब लोग अपना आगे दौड़े, जो भी सामने आया सबको हटाया गया, डरा करके धमका करके सबको भगाया गया वहाँ से, और फिर शुरू हुआ था।